इसके अंदर डालेंगे 3 तोला सत अजवैन और 3 तोला सत पुदीना। ये डालेंगे, जब ये हल हो जाएंगे, ये देखें, तो इसके अंदर 100 ग्राम काफूर डालें। काफूर, सत अजवैन, सत पुदीना जब हल हो जाए तो इसको रेंज अंदर रख के 1/4 आग पे तेजाब उड़ा देंगे तो काफूर सुर्ख रंग का तेल बन जाएगा, शहद की मानंद गाढ़ा तेल होगा। इस तेल से अगर गंधक को खरल तशरीह करें तो गंधक कायम हो जाती है अक्सीज, और अगर इस तेल से सोडियम मेटल लेके, सोडियम मेटल जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तोले की डली ले लें, उसको इस तेल में डिप करके प्याली में धूप में रख दें तो 2 घंटे में वो मोम हो जाता है, सुर्ख रंग का ठंडा हो जाता है। उसको पानी लगाने से उसको आग नहीं लगेगी, तो वो सोडियम मेटल की मोम और ये तेल प्रॉपर आपस में मिक्स कर लें, तो इसको 2 से 4 ग्राम लेके इसको 1 तोला नीले के ऊपर लेप करके अगर आग दें तो नीला सफ़ेद बिला गंगार और बाकंड तैयार हो। जो हुक्मा लोग नीला सफ़ेद तलाश करते हैं ये वही नीला बनेगा इंशाल्लाह। तो बाकी अभी बना के तेल दिखा रहे हैं, जो दोस्त बाद में जाके बनाए वो हमें वीडियो भी शेयर करे कि मैंने बनाया और ये रिजल्ट, ठीक है जी। और वो जो नीला सफ़ेद होगा वो कैंसर के ऊपर ज़बरदस्त काम करता है, रसौलियों गिल्टियों के ऊपर काम करता है, और अमराज़ खबीसा में वो बेहतरीन काम करता है। नीला जो बनेगा इस सोडियम मेटल और काफूर के तेल से ही उसकी बात कर रहे हैं नीले की। तो ये जो है ना कि ये आपके सामने हल कर रहे हैं, ये देख लें इसका कलर अभी से सुर्ख हो गया है। बस इसका तेजाब बनाना है हमने, तेजाब निकल जाएगा, काफूर तेल हो जाएगा, सत अजवैन सत पुदीना भी उड़ जाएंगे, ये उसको जारी करके जाएंगे, ठंड नहीं होने देंगे, ये तेल ठंड नहीं होगा, जारी होगा, जारी होगा तो सोडियम मेटल को बनाएगा, तो जब सोडियम मेटल बन जाएगा तो इसके साथ आप नीला बनाएंगे। नीला जो है वो खुराकी आला किस्म का काम करता है, चावल का 1/4 हिस्सा या ज़्यादा मर्ज़ ज़्यादा है तो आधा चावल, इससे ज़्यादा खराब नहीं देनी, मक्खन दूध का इस्तेमाल कराएं, 1 डोज दे दें तो कम अज़ कम 2-3 दिन का वक्फा करना चाहिए और दूध पिलाना चाहिए ज़्यादा, तब जाकर दूसरी खुराक देनी चाहिए। यह देखेंगे आपके सामने खून की मानद हो गया जी, तो ये सुर्ख हो गया जी, हाँ जी। ये 1/2 लीटर जो है ना, ये 500 ml तेजाब छोरा, 3 तोले यानी 30 ग्राम सत जवैन, 30 ग्राम सत पुदीना और 100 ग्राम काफूर। अभी ये भी डाल देंगे, हल हो जाएगा तो इसको थोड़ी देर रखेंगे ताकि इसके एक्शन ख़त्म हो जाए, फिर 1 दिन तक रख के इसको 0 की आग पे तेजाब को उड़ा देंगे और काफूर तेल हो, ठीक है जी। तो किसी को फिर भी समझ ना आई हो तो वो दोबारा से नुस्खा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। सोडियम मेटल जो है ना जी, ये जिस तरह हम फास्फोरस लेते हैं ना, तो फास्फोरस जो है वो पानी में रखी जाती है, अगर पानी से निकाले तो आग लग जाती है, सोडियम मेटल को अगर पानी लग जाए तो उसको आग लग जाती है, ठीक है ना जी। ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है, या फिर आजकल एक और वलैती आयल आता है उसके अंदर ये आता है, तो इसको जो है ना पानी लगने से आग लगती है, हम उसको निकाल के कपड़े से साफ करेंगे आयल उसका, और इस काफूर के तेल में डिप करके प्याली में धूप में रखेंगे, सिर्फ 2 घंटे में वो पिघल के मोम हो जाएगा, खून की मानद सुर्ख मोम हो गया और वो कायम हो गया, ठंडा हो गया, उसको आग नहीं लगेगी, ठीक है ना जी। तो वो एक और चीज़ बन गई है,
उसको अगर एक तोला है तो एक तोला ये तेल मिक्स कर लें, इसमें से 4 ग्राम लेके एक तोला नीला पर लेप करें, आधा किलो की बेदूद आग दें या भड़का निकाल के दे दें या चूरे की आग दें, तो नीला सफ़ेद होगा इंशाल्लाह बिना जुगार और बर्तन ड्रो। वो नीला अमराज खबीसा पे और कैंसर पे बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। एक बंदे के गले का कैंसर था, ये पुरानी बात है, 8-10 साल पहले की बात है, तो मैंने उसको 10-12 खुराकें दे दी। इत्तफाकन 6 माह बाद मेरी मुलाकात हुई तो मैंने बंदा पहचाना ही नहीं, तो उसने कहा ये आपने मुझे पहचाना, मैंने कहा नहीं, कहता मैं वही बंदा हूँ जिसको गले का कैंसर था, तो वो ठीक हो गया 10-12 खुराकों से, इतना इसका रिजल्ट है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, हकीम अयूब साहब